वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। आओ आओ यारो, यार कितनी बार बोला है ग्लोबल वार्मिंग मत किया करो। एक तो वैसे ये मास्क की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऊपर से ये सब, कहीं अस्थमा ना हो जाए यार, इतना डर लगता है। चलो यार चारों तरफ इत्र फैला दो। तो चलो आज का अपना प्रवचन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जरा अपने सारे छेद खोल के ये प्रवचन सुनना, ये प्रवचन तुमको 5 मार्क्स दे के जाएगा। मैं यार फुल प्लेट झींगा बिरयानी की शर्त लगा सकता हूँ। तो आज के प्रवचन में हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कहानी सुनेंगे और उनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे। तो चलो यार शुरुआत एक कहानी से ही करते हैं। तो यार मान लो कि एक मोहल्ले में 2 लोग रहते हैं, एक कांताबेन और उनके पड़ोस में चूरन भाई। तो कांताबेन फ्लिपकार्ट के ऑफिस में काम करती हैं, जो कि 9:30 से 5:30 तक खुलता है। कांताबेन की सैलरी 30 तारीख को झप से उनके खाते में गिरती है, और इसके अलावा उनको प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। उनको संडे को मस्ती करने के लिए छुट्टी भी मिलती है, और जब इनको जॉब मिली थी ना तो इनको बकायदा अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें कि जॉब की शर्तों का उल्लेख भी किया गया था। वहीं दूसरी ओर अपना चूरन भाई पड़ोस के किसी छोटे से ढाबे में काम करता है। वो सुबह 7:30 बजे जाता है काम पे और 8 बजे तक यार मरवाता रहता है। उसको डेली वेज मिलता है और इसके अलावा उसको घंटा कोई अलाउंस नहीं मिलता। इसके अलावा ना तो उसको कोई छुट्टी मिलती है ना संडे। ऊपर से जिस दिन भी वो काम पे नहीं जाता है उस दिन की पगार भी काट दी जाती है। जब उसने जॉब ज्वाइन किया था तब उसको बोला गया, देख चूरन भाई कल से टाइम पे आ जाइयो। उसको कोई लेटर वेटर नहीं दिया गया था। तो यार इस कहानी का यही मॉरल है कि कांताबेन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं और चूरन भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो चलो अब हम इन दोनों पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इनके बिजनेस गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं और इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि लेबर लॉस, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वगैरह वगैरह। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि बिना किसी वजह से इनको लात नहीं मारी जाती। थर्ड पॉइंट है, इस सेक्टर में काम करने वालों को लिमिटेड आवर्स ही काम करना होता है, जैसे कि 48 आवर्स पर वीक। अगर कोई भी बंदा इससे ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवरटाइम के पैसे भी मिलते हैं। फोर्थ, इनको यार पेड हॉलीडेज भी मिलती हैं, जैसे कि पेड लीव, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव वगैरह वगैरह, और इन छुट्टियों की इनसे कोई पगार नहीं काटी जाती। फिफ्थ, इनको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल बेनिफिट और रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलता है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब में तो पेंशन भी मिलती है। सिक्स्थ, यार इन लोगों को काम करने के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे कि पीने का पानी, चोट लगने पे फर्स्ट एड वगैरह वगैरह। और इनके एग्जांपल्स हैं बैंक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह वगैरह। ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं। चलो यार अब जरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी समझ लेते हैं। तो वैसे तो यार ये बिल्कुल हलवा है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का बिल्कुल उल्टा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेस होते हैं
उनमें से ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस यार होते तो हैं बट फॉलो घंटा कोई नहीं करता, तो ये लोग बिना लाइसेंस के ही अपना बिजनेस दौड़ाते रहते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे काम करने वाले लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और इन लोगों को कभी भी लात मारी जा सकती है, वो भी बिना किसी वजह। थर्ड पॉइंट है कि इनके काम करने के कोई फिक्स आवर्स नहीं होते और ओवर टाइम के नाम पे तो इनको घंटा कुछ नहीं मिलता। फोर्थ पॉइंट, इनको कोई पेड हॉलीडेज नहीं मिलती। फिफ्थ है, इनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब होती हैं क्योंकि बिजनेस ओनर हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचता रहता है। सिक्स्थ, इन्हें कोई प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी या पेंशन नहीं मिलती। और अब एग्जाम्पल के नाम पे यार पड़ोस की दुकान, ढाबा, पंचर की दुकान और इन सब दुकान में काम करने वाले गलू मलू, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं। और इस सेक्टर का सबसे बड़ा हाथी जैसा पार्ट है फार्मिंग। तो चलो अब जरा हम उन पे नज़र डालते हैं जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट देम। तो यार वैसे तो सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं मगर जॉब की अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे लिमिटेड ही है, तो बहुत गिने चुने लोगों को ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिल पाती है। तो बाकी के लोगों को ना चाहते हुए भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। तो यार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम रूरल एरियाज में लोग करते हैं, उनमें भी मैक्सिमम लोग हैं स्मॉल फार्मर्स। तो इन्हें हम चीप लोन्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी देके ढेर सारी फसल उगाने में इनकी मदद कर सकते हैं जिससे कि इनकी अच्छी खासी इनकम हो। और इनके अलावा अर्बन एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, हेडलोड वर्कर्स, रैग पिकर्स, गारमेंट मेकर्स जैसे लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हैं। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकती है और अच्छे रोबस्ट लेबर लॉस से इन्हें सिक्योरिटी दे सकती है। इन सब के अलावा अगर हम कास्ट वाइज देखें तो एससी, एसटी, ट्राइबल और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इन्हें भी सेम वेजेस मिले जो कि बाकी सबको मिलते हैं। और यार ये सब कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है। चलो यार ये प्रवचन तो बहुत ही लंबा हो गया, तो अभी लेते हैं एक पानी विराम और मिलते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी प्रवचन के साथ अगले एपिसोड में।